हाय, मेरा नाम मंसूर अहमद है। आपका स्वागत है हमारे चैनल ईआर मंसूर अहमद में। आज की जो खबर है वो ये है कि एनआईएस डीएलएड के शिक्षक पूछ रहे थे कि एनसीटी से कोई लेटर मिला या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकारी काम है, आप भी जानते हैं कि किसी भी काम में यहाँ पे अगर 2 दिन का है तो 10 दिन या 4 दिन लगते ही है यहाँ पे। तो आप सभी सब्र रखें, भरोसा रखे हमारे नंदन बोहरा जी अध्यक्ष पर। वो 1 हफ्ते पहले गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया है कि अधिकारियों ने कि यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, 2 या 3 दिन में लेटर भी इशू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे पहले छत्तीसगढ़ में एक लेटर इशू किया था एनसीटी ने। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ के जो टीचर रेगुलर थे डीएलएड बीएड, उन्होंने एनसीटी को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि क्या एनआईएस से डीएलएड करने वाले भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, क्या उसके लिए ये वैलिड है। तो तब एनसीटी ने त्रिपुरा और बिहार के जजमेंट के आधार पर स्पष्ट बता दिया था कि ये प्राथमिक स्तर पर मान्य है। लेकिन एक यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वहाँ के छात्रों ने कोशिश ही नहीं की और ना ही वो कोर्ट गए। यूपी में टेट देने से जब उनको रोका गया था तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था और वहाँ पर बिहार के जजमेंट से उनका काम हो जाता है, लेकिन वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। जो मेहनत करता है उसी को ही सफलता मिलती है। लेकिन ये कहा है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो लोग अब कोशिश कर रहे हैं और 6 तारीख से उन्होंने कोर्ट में भी गए हैं और वहाँ पे स्टे भी ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ना तो मैं कोर्ट में गया, लेकिन जो लेटर था एनसीटी ने अप्रूव किया, लेकिन वहाँ के जो बीएड टीएटी वाले थे उनको पता था कि हम अगर इनको विरोध भी करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने जो लेटर लिया उसी के अकॉर्डिंग ही छत्तीसगढ़ में उनको मान्यता दी गई। आप देख सकते हो कि एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा लिखा गया था और यहाँ पे एनसीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये और पत्रांक नंबर है 90462। डेट थी 14/5/2020। आप देख सकते हैं टू द प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ रेगुलर डीएलएड बेड अवाम सीजी टेट पास। ये सब आप एड्रेस देख सकते हो, सब्जेक्ट क्या था, वैलिडिटी और डीएलएड ओडीएल ओपन यूनिवर्सिटी से था। प्रोग्राम कंडक्ट बाय एनएस फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेड इन सर्विस एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रजिस्ट्रेशन। रेफरेंस योर लेटर नंबर ये रहा, आप देख सकते हो। सर प्लीज़ रिफर टू द सब्जेक्ट अबाउ द हम्बल हाई कोर्ट ऑफ द पटना इन CW। ये जो भी लिखा है संजय कुमार यादव, आप देखते हैं यहाँ पे आगे, ये पूरा देख सकते हो आप। एनसीटी ने सीधा सीधा स्पष्ट बोल दिया था कि ये देखो लेटर नंबर है, डेट भी डली हुई है, सब चीज़ है। प्लीज़ रिफर टू द सब्जेक्ट अबाउ द हम्बल हाई कोर्ट ऑफ द पटना CWJC, यानी कि ये जजमेंट था पटना का 19/842/2019 टाइटल्ड एज द संजय कुमार यादव ORS वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ORS वाइड ऑर्डर डेटेड 21/1/2020 हैज अलाउड द पिटिशन एंड डायरेक्टेड द रिस्पॉन्डेशन बिंग NCT NIOS स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू कंसिडर द NIOS डिलेड क्वालिफाइड कैंडिडेट अपॉइंटिंग टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। देख सकते हो प्राइमरी स्कूल के टीचर को इसमें क्या क्या अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। The NCT has accepted this order, the humble High Court of the Patna, which thus become final. देखो यहाँ पे NCT जी ने एक्सेप्ट किया और कहा कि हाई कोर्ट पटना का जो डिसीजन था उसके आधार पर, जजमेंट के आधार पर छत्तीसगढ़ को भी मान्यता दी गई। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।